अब एक की फ्लो चार्ट बना के देखा है, जिसमें पहले एक प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, बाद में फ्लो लाइन नीचे की तरफ दिखा रही है, यहाँ एक रीड ग्रेड रीड की जाती है, उस ग्रेड को कंपेयर किया जाता है कि वो यदि 50 के बराबर या ज़्यादा है, 50 से हाई या इक्वल है, लार्ज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा पास्ट और ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स। और बाद में एक सर्किल से जोड़ दिया है, मतलब आगे कुछ और भी प्रोसेस हम दे सकते हैं, प्रोसेस का एंड नहीं दिखाया। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिखेंगे तो एक सिंपल सा प्रोग्राम होगा जिसमें स्कैन किया जाएगा ग्रेड को, और इफ में ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिखा जाएगा, प्रिंट किया जाएगा पास्ट। ये है इफ सेलेक्शन स्टेटमेंट, जो या तो कोई भी हम इसको एक्शन देते हैं उसको परफॉर्म करेगा या उसको स्किप कर देगा। यदि वो ट्रू है तो उसको परफॉर्म करेगा, यदि वो फॉल्स है तो स्किप कर देगा। और यहाँ पर ये कंडीशन पूरी होने के बाद में जो भी एक्शन दिया जाएगा वो ये करेगा, यहाँ बस ये सेलेक्ट या इग्नोर का काम कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें सेलेक्ट ये ट्रू होने पर भी कुछ एक्शन लेगा, फॉल्स होने पर भी लेगा। तो पिछले एग्जांपल में ट्रू होने पर ये पास्ट प्रिंट कर रहा था, फॉल्स होने पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा था, लेकिन इस फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं ट्रू पर पास्ट प्रिंट कर रहा है, वैसे ही फॉल्स होने पर फेल्ड प्रिंट कर रहा है। इसके लिए सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें इफ के साथ में एल्स भी आ जाएगा, और इस तरह से इफ के बॉडी में प्रिंट पास्ट लिख दिया, एल्स में फेल लिख दिया। मतलब यदि ये जो इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने पर एक कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और फॉल्स होने पर दूसरा एक्शन परफॉर्म करेगा। कौन सा परफॉर्म करेगा? जो हमने इसको कहा है वो परफॉर्म करेगा। और ये जो इफ एल्स का कॉम्बिनेशन हमने लिया है उसको डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स दोनों में कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर रहा है। ट्रू में एक एक्शन ले रहा है, फॉल्स में दूसरा एक्शन ले रहा है, मतलब ये दोनों में कुछ सेलेक्शन हो रहा है, कोई भी फ्री नहीं जा रहा। जैसे पिछले एग्जांपल में फॉल्स में वो इग्नोर किया जा रहा था, यहाँ इग्नोर नहीं हो रहा है फॉल्स, इसलिए इसको डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं या इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल कंसीडर करते हैं जहां पर हम एक क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है, और उसमें जैसे ए बी सी डी इस तरह से हमें ऑप्शन मिले हैं, करेक्ट आंसर उसका सी है। अब किसी यदि सही किसी ने उत्तर दिया है, आंसर दिया है, तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर के लिए -1 मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं करने के लिए -0 मिलेगा, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए -1 मिलेगा। यदि इस तरह से किया जाए तो ये हम एक इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, रीड आंसर, इंसर्ट आंसर, कंडीशन में डाल दिया आंसर। अब यदि आंसर ए बी या डी है तो उसको -1 मार्क्स दिया जाए, यदि आंसर सी है तो उसको 3 मार्क्स दिया जाए, आंसर नहीं दिया तो 0 मार्क्स दिया जाए, और यदि वो कोई और कंडीशन है जैसे एक से ज़्यादा आंसर दे दिए हों, इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उसमें -1 मार्क्स दिया जाए और बाद में आगे की प्रोसेस की जाए। ये इसका फ्लो चार्ट है, इसको बोलते हैं स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो एक साथ 2 से भी ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इसको हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं, जो मल्टीपल या उसको मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक साथ बहुत सारे एक्शंस ले सकता है।